बीजेपी के लोग देश भर में घूम घूम कर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, और इसीलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी से और खासतौर से नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल है। वो किसके लोग थे, वो किसके समर्थक थे, वो किस पार्टी के लीडर थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पगड़ी पहने हुए एक सिख ऑफिसर को खालिस्तानी बताया था? नरेंद्र मोदी के। वो कौन था जिसने 700 किसानों की शहादत जब अपना हक मांगते हुए हुई और अधिकतर उसमें से हमारे सिख भाई थे कहा था मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने दिल्ली आ रहे किसानों के रास्ते खुदवा दिए, कीले गड़वा दी, सीमेंट की चट्टाने लगवा दी? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने हमारे सिख किसान भाइयों को उन्हीं के बेटों की लाठियों से पिटवाया था? नरेंद्र मोदी ने। वो कौन था जिसने हमारे सिख किसानों पर झूठे मुकदमे दायर किए, एनआईए के केसेस तक लगाए? नरेंद्र मोदी ने। वो किसके लोग थे जो हमारे सिख किसान भाइयों को आतंकी, मवाली, गुंडा, पाकिस्तानी, खालिस्तानी तक कहते थे? नरेंद्र मोदी के। वो किसके लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं जो आज तक ये कहते हैं कि हमारे अन्नदाताओं का जो आंदोलन था उसका समर्थन और उसकी फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी? नरेंद्र मोदी के। वो कौन था जब पंजाब से वापस आया तो कहा मैं अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस आ गया हूं? नरेंद्र मोदी ने यह कहा था। क्या आपने 3.5 करोड़ पंजाबियों को अपनी जान का दुश्मन माना था? क्या आपने उनकी अस्मिता पर सवाल नहीं उठाया था? राहुल गांधी के खिलाफ आपके जो एफआईआर हैं वो आपकी कुंठा जरूर दिखाता है। उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता आपसे भले न पच रही हो और इसलिए आप इस तरह की राजनीति पर आमादा हैं, लेकिन राहुल गांधी आज भी वही कह रहे हैं और हमेशा कहेंगे कि हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग को यह हक होना चाहिए कि वो अपने तौर तरीकों से, अपने हिसाब से, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने पूजा पाठ करने की, अपने वस्त्र पहनने की, अपनी परंपराएं निभाने की, अपने प्रतीक चिन्हों को पहनने की। और ये बात इस देश का हर व्यक्ति समझता है, हमारे सिख समुदाय के लोग समझते हैं। आप कितने भी उनके बयानों को काट छाट कर प्रस्तुत करने की कोशिश करिए, राहुल गांधी ने न तब गलत कहा था और वो बार बार ये बात कहेंगे, क्योंकि इस देश में ये हक सबको मिलना